नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विराट कोहली ने पत्रकार को कहे अपशब्द। भारत के प्रमुख बल्लेबाज और टीम के उपकप्तान विराट कोहली अचानक ही अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वाका में शुक्रवार को होने वाले लीग चरण मैच के पहले अभ्यास सत्र के बाद एक पत्रकार के लिए अपशब्द कहे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि इस तरह की घटना घटेगी। कोहली अभ्यास के बाद जब ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने अपने सामने एक राष्ट्रीय दैनिक के पत्रकार को खड़ा पाया। पत्रकार को समझ पाता इससे पहले ही कोहली ने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक ऐसा चलता रहा और फिर वह चले गए। बताया जाता है कि अनुष्का शर्मा पर छपी रिपोर्ट से विराट कोहली बेहद नाराज थे। इस घटना के बाद टीम इंडिया के निदेशक रवि शास्त्री ने कोहली से संयम बरतने को कहा है। शास्त्री ने कहा कि वे भविष्य के कप्तान हैं और उन्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। दिल्ली गैंगरेप के दोषी के इंटरव्यू पर मचा कोहराम। ब्रिटेन की एक फिल्म निर्माता द्वारा 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार मामले के दोषी के साक्षात्कार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। सरकार ने इस साक्षात्कार के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साक्षात्कार में गैंगरेप के दोषी ने कहा कि सामूहिक बलात्कार जैसे दुष्कर्म पर उसे कोई पछतावा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने साक्षात्कार के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की। आरबीआई ने घटाई रेपो रेट, होम लोन होगा सस्ता। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस ऐलान के बाद नई ब्याज दर 7.50% हो गई है। इससे होम लोन सस्ता हो जाएगा। 2 महीने में रेपो रेट में यह दूसरी बार कटौती है। कटौती के बाद रेपो रेट 7.75% से घटकर 7.50% हो गया है। रेपो रेट का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला और सेंसेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। अध्यादेश के खिलाफ अन्ना निकालेंगे पदयात्रा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जमीन अधिग्रहण कानून के किसान विरोधी प्रावधानों के खिलाफ केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए 1100 किलोमीटर की पदयात्रा की घोषणा की। हजारे ने कहा कि यह पदयात्रा वर्धा के गांधी आश्रम से शुरू होगी जो नई दिल्ली के रामलीला मैदान में खत्म होगी। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी मार्च की तर्ज पर होने वाली इस पदयात्रा के 3 महीने में दिल्ली पहुँचने का अनुमान है। इस यात्रा का कार्यक्रम 9 मार्च 2015 को सेवाग्राम में बैठक में तय किया जाएगा।